हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक नई फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ, आयसर 557 ट्रैक्टर की। आयसर 557 ट्रैक्टर ट्रैक्टर के प्राइस, एवरेज और फीचर और फुल रिव्यू के बारे में मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए ये पूरी वीडियो एंड तक, पूरे फीचर देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है आज एक फ्रेश वीडियो आइसर 557 की। इस ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको आज सारी डिटेल में बता देता हूँ। तो ट्रैक्टर के क्या क्या फीचर हैं, कितनी कितनी कैपेसिटी है, क्या है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। 50 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, जिसमें कि 3 सिलेंडर हैं। अगर इसकी कैपेसिटी बताऊँ मैं, तो 3300 cc की क्यूबिक कैपेसिटी है इसकी। जो पंप होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप का, वो इनलाइन है, अंदर ही दिया हुआ है। क्लच इसमें दो हैं, डुअल क्लच भी है और सिंगल भी है, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप चला सकते हैं। अगर मैं इसकी गियर की बात करूं, स्पीड की बात करूं, तो गियर हैं इसमें 8, तो फॉरवर्ड के हैं और 2 रिवर्स के हैं। हालांकि बहुत सारे गियर्स होते हैं, पीटीओ में अलग होता है, उस तरीके से अलग होता है, लेकिन आप जैसा चलाना चाहें, जो मेन गियर हैं वो 8 ही हैं, रिवर्स के और फॉरवर्ड के, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। अगर मैं इसके टायर की बात करूँ, तो इसके फ्रंट टायर हैं 6x16 और पीछे के टायर हैं 15x28, 16x28। काफ़ी हैं, मतलब ऑप्शनल है, जैसा कि आप लेना चाहो। फ्रंट के भी छोटे मिलेंगे और बड़े भी मिलेंगे, उसी तरीके से आपको पीछे के टायर भी छोटे बड़े मिल जाएंगे, जिस तरीके से आप लेना चाहेंगे उसी के साथ। 16x28 के भी हैं, 17x28 के भी हैं, 14x28 के भी हैं, 15x28 के भी हैं। अगर मैं आपको इसके स्पीड की बात करूँ, 30 किलोमीटर की स्पीड है इसकी प्रति घंटा में, 16x9 के टायर के साथ। पीटीओ इसका लाइव है। अगर पीटीओ की स्पीड की बात करूं, तो 540 राउंड है इसके पीटीओ के। अगर आप ये जानना चाहते हो पीटीओ मल्टी स्पीड है और रिवर्स भी है, तो हाँ बिल्कुल दोनों हैं इसमें। अगर मैं आपको इसके लिफ्ट की कैपेसिटी बताऊं, तो इसके लिफ्ट की कैपेसिटी है 1470 किलोग्राम, यानी कि 14 क्विंटल, और 1850 किलोग्राम तक, ठीक है। क्योंकि वो वेरिएंट लेवल पे आपको, जैसे जैसे आप किस तरीके का वजन उठा रहे हो, वो क्या है, कैसे है, मतलब कहीं पे जोर लगाना पड़ता है तो कहीं पे बिल्कुल उठाना पड़ता है, तो उस तरीके से ये कैपेसिटी है इसकी वेरिएंट लेवल पे, मतलब अलग अलग लेवल पे, जिस तरीके से आप लिफ्ट को यूज़ करेंगे उसी तरीके से। ड्राफ्ट कंट्रोल इसकी ऑटोमेटिक है। इसके ब्रेक की बात बता दूँ, तो ब्रेक जो है, ब्रेक इसके ऑयल के अंदर ही हैं, तेल के अंदर इमर्स ब्रेक हैं, मतलब आप बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपको अलग से तेल डालना है, कुछ नहीं, ऑयल के अंदर ही चलेंगे। स्टीयरिंग इसका पावर स्टीयरिंग है। और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बैटरी की बात करूं, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 88 एम्पीयर पर आवर्स की। ट्रैक्टर की वारंटी है 2 साल की। और अगर मैं प्राइस की बात करूं इस ट्रैक्टर की, तो प्राइस इसका 6 लाख है अप्रोक्स, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस मिलता है, तो जहाँ पे टैक्स वगैरह की डिफरेंस हो जाता है तो अलग अलग है, लेकिन इसका 6 लाख प्राइस है। और ट्रैक्टर अच्छा है, लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।